हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा था हमारा बहुत मॉर्निंग से, यानी कि अभी बज रहे होंगे 4:30 करीबन बज रहे होंगे। और आज मैं सुबह जल्दी उठ के आ गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की थोड़ी डायबिटीज़ बढ़ गई थी, तो उनके लिए आज मुझे जूस बनाना था और टिफ़िन भी बनाना था, इसलिए मैं सुबह जल्दी जल्दी जाकर अपने किचन में लग गई अपने कामों में। तो फटाफट से मैंने सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, चाय बनने के लिए रख दी, और उसके बाद मैंने कहा उनके लिए करेला और आंवले का जूस बना देती हूँ। तो आंवला मैंने एक ले लिया, इसको अच्छे से धो लिया है, और मैंने करेला ले लिया एक छोटे सा। ज़्यादा जूस पीना भी मतलब अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, तो मैं कभी कभी देती हूँ जब मुझे लगता है कि इनकी शुगर बढ़ रही है, तब मैं उनको करेले का जूस देती हूँ। और करेले का अकेला भी जूस नहीं देना चाहिए, उसमें लौकी, थोड़ा सा अदरक, पालक, धनिया, जो भी चीज़ें मतलब जो हर्ब्स होते हैं वो भी मिक्स करके देना चाहिए, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। और आंवले का जूस तो अगर हम रियल में भी पियेंगे ना, तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आँखों की रोशनी के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो जब जब मैं इनके लिए बनाती हूँ ना करेले का जूस, तब मैं अपने लिए भी सिर्फ आंवले का जूस बना लेती हूँ। और यहाँ पे आंवला भी मिल रहा था, 40 रुपये किलो मिल रहा था, तो मैं 20 रुपये का आधा किलो ले आई हूँ, तो खूब आराम से चल जाएगा और इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते आंवले। तो दूसरी सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं लेकिन आंवला ख़राब नहीं होता है। तो देख लीजिए सर, नाश्ता देने से पहले मैं उनको दूँगी जूस पीने के लिए। तो बोलते तो डेली डेली मेरे ऐसा मत बनाया कर, मैं थक जाता हूँ पी पी के, तो मैं उनके लिए कभी कभी बनाती हूँ। तो चलिए आप बना लेते हैं नाश्ता और परोस लेते हैं उनके लिए नाश्ता। तो मैंने पहले मेरे लिए मतलब हस्बैंड के लिए चाय निकाल दिया, और उसके बाद मैंने चाय में चीनी डाल दी है क्योंकि मैं उनको चीनी वाली चाय नहीं देती हूँ, बिना चीनी वाली चाय देती हूँ। और उनका काम ऐसा है कि जिसके बिना चाय पी के वो काम नहीं कर पाते, इसके लिए चाय तो घर पर पी के वो ज़रूर जाते हैं। तो मैंने चीनी डाल दी थी, वो चाय भी छान लिया। तो अब हम करेंगे नाश्ता और फिर मिलते हैं आप लोगों से दोपहर में। तो देख लीजिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में बोला था कि मुझे गांव जाना है तो कुछ सामान भी पैक करना है, तो मैं सारे डब्बों में देख रही थी कि कौन सा सामान रखने का है और किस डिब्बे में रखूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पहले सामान रखा हुआ था वो ख़राब भी हो जाता है, तो फेंकने वाला है वो, उसको मैं एक थैली में रख देती हूँ और बाकी का सब मैं एक डब्बे जो खाली है ना उसमें सब ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए, कुछ डब्बे चटक भी गए थे तो उनको मैं एक साइड में रख दूंगी, और जो अच्छे अच्छे उनको मैं खाली करके पैक कर दूंगी अच्छे से, जिससे कि अगर हम घर पे सामान ले जाएंगे तो ले जाने में हमें दिक्कत नहीं होगी और हमारे पास टाइम भी होगा, बस लेके जाना होगा, पैकिंग वैकिंग की चिंता नहीं होगी। इसलिए मैं सारा काम अभी फिनिश कर लेती हूँ, मेरे पास अभी टाइम है इसलिए। और धीरे धीरे अपन कोई भी काम करते ना तो आराम से हो जाता है, जल्दबाजी में सारे काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए मैं सारा काम पहले से स्टार्ट कर दिया है। चलिए, जितने भी हैं कप है और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे पैक करना है, तो मैं आराम से कर ले रही हूँ और फिर शाम को देखते हैं क्या बनाऊँगी। आज मैं कुछ खास बनाने वाली हूँ, आज की रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ ना वो मैंने मोबाइल पर ही देखा था, तो वही मैं आज बनाने वाली हूँ। तो क्या बनाने वाली हूँ वो मैं अब आप लोग को बताऊँगी। तो ये है कप और रकाबी, यानी कि कप और प्लेट्स। तो यहाँ पर तो मैं ग्लास में ही चाय पीती हूँ, लेकिन कोई मेहमान आ जाता है ना तो उनके लिए कप और प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर सूरत में तो ज़्यादातर प्लेट में ही चाय पीते हैं। तो चलिए पैकिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से शाम के टाइम खाना बनाने के समय। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख दिया है, और उसमें दो प्याज बड़ी बड़ी, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, सब कुछ को मैं अच्छे से उबाल लूँगी, और टमाटर भी इसमें डाल दूँगी उबालने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ मखाने की सब्ज़ी और नान रोटी घर पर ही, तो आप लोग देखिए किस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। तो बाहर जाके खाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, और घर पर खाते हैं तो अच्छा भी बनता है और पेट भर के भी खा पाते हैं और पैसा भी खर्चा ज़्यादा नहीं होता। तो 20-20 रुपए का लेकर आई थी, 20 का काजू और 20 रुपए का ही मखाना लेकर आई थी मैं, और कुछ भी मैं बाहर से नहीं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, जब तक कढ़ाई में वो गर्म हो रहा है ना घी, घी में हम सेकेंगे मखाने को। मखाने को हम अच्छे से फ्राई कर लिया है, और उसके बाद हमारे टमाटर और प्याज, जो भी हमने काजू वाजू भी डाले थे, थोड़े से ज़्यादा नहीं थे तो हमने 4 से 5 काजू ही डाले थे इसमें, तो अच्छे से उबल चुके, इसको निकाल लेंगे
और इसका हम बना लेंगे पेस्ट। तो हमने थोड़ा सा घी डाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने घर पे घी बनाया था, उसका मैं खाने में यूज़ करती हूँ, तो घी डाला है, उसको थोड़ा सा जीरा डाला था। और उसके बाद हमने बिल्कुल बारीक चॉप करी हुई प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन डाला है, उस वो थोड़ा सा भुन गया था। उसके बाद हमने बारीक चॉप किया हुआ और टमाटर डाल दिया था, टमाटर थोड़ा सा गल गया। उसके बाद हमने सूखे मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, ये सब पाउडर डाले हैं, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से चलाएंगे। और उसके बाद जो हमने प्याज पीसी थी ना, उसका पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से, कोई चीज़ नई नई हमको कभी ना कभी ट्राई करनी चाहिए। और ये खाना खाकर मेरे हस्बैंड ने बोला था कि बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना है, मैंने कहा ठीक है, बोले तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही खाना बना है। तो रोज़ रोज़ की सब्जी रोटी, वही आलू सब्जी रोटी खा खा के भी इंसान बोर हो जाता है, तो हमको कभी कभी घर पे कोई ना कोई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो तब तक हमारा मसाला भुन रहा है, तब तक हम करेंगे इधर रोटी की यानी कि नान की तैयारी। तो हमने इसमें आधा मैदा लिया है और आधा लिया है आटा, दोनों को मैंने साथ में छान लिया है, और थोड़ा सा हमने डाला है इसमें खाने का सोडा, ठीक है, जो बेकिंग सोडा होता है ना वो। और उसके बाद थोड़े से काजू हम इसमें डाल देंगे पेस्ट में, ठीक है, उनको थोड़ा पकने में टाइम लगता है ना इसलिए। और अभी हम इसमें क्या क्या डालेंगे वो भी आप लोग देख लीजिए। आटे में हमने खाने का सोडा डालना है और दही डालना है, हमें इसमें अच्छा खासा दही डालना है, और नमक और एक चम्मच चीनी, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमें इसमें डालनी है। और फिर हमें पानी से अच्छा आटा लगाना है, एकदम टाइट नहीं रखना है, थोड़ा ढीला ही आटा रखना है। तो चलिए फटाफट से मैं आटा लगा लेती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ घर पर ही नान रोटी किस तरीके से बनती है, वो भी इतनी अच्छी कि आप मार्केट की खाना भूल जाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड। तो मुझे नान थोड़ा लेट बनाना था, इसलिए मैंने क्या किया, उसको आटा लगा कर और उसको कम से कम 15 मिनट के लिए रख दिया रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद हमने पेस्ट में मसाला जो हम भून रहे थे ना, उसमें हमने डाल दिए हैं मखाने और पानी, जितना आप ग्रेवी वाली बनाना चाहते हो उतना बनाओ इस तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे नमक और उसके बाद धनिया कट करके, बस अब सब्जी रेडी होने वाली है 10 मिनट में। और उसके बाद अगर आपके घर क्रीम हो तो आप इसमें क्रीम डाल दिए, मेरे घर पे नहीं थी तो मैंने नहीं डाला। तो चलिए हमने लिया है आटा इस तरीके से, और बीच में हम रखेंगे थोड़ा सा घी इस तरीके से, और इसको स्टफ कर देंगे यानी कि घी की स्टफिंग कर देंगे, और इसको इस तरीके से पूरा बंद कर देंगे और दोबारा से इसको इस तरीके से बेलेंगे, ठीक है। तो ये बन रहा है नान, हर किसी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ, इतना अच्छा बना था, सच कह रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा। अब इस पे हम डालेंगे, बहुत लोग डालते हैं कलौंजी, और मैं इस पे डाल रही हूँ काली तिल, काली तिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता हमने पहले ही कट करके रख लिया था क्योंकि मुझे पता था अभी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से मैं बेल लेती हूँ, और तवा हमने नॉनस्टिक लिया है जिससे कि अच्छे से बन जाए और चुपका चुपकी ना हो, ठीक है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं और हम डाल देते हैं तवे पर, इस तरीके से चुपका देते इसको भी, और इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाएंगे। तो इसको हम पलट देते हैं पहले, ये देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम दूसरा भी लोई ले लेते हैं। उसी तरीके से हमें बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था, इसके अंदर थोड़ा सा घी लगा देते, जैसे हम पराठे बनाते हैं ना सादा पराठे, उसके अंदर तेल या घी लगा देते, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको भी बनाना है जिससे कि ये फूलने में बहुत आसानी रहे और अंदर तक ये पक जाए बढ़िया से। ये देख लीजिए, आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी लेकर आती रहूँगी, बढ़िया ब्लॉग लेकर आती रहूँगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये देख लीजिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है नान, अंदर से भी पक गया है, बाहर से भी पक गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, देखने में ही मुँह में पानी आ रहा है, खाने में तो भाई इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था कि बस कुछ पूछो मत, दिख रहा है ना इतना बढ़िया, बस खाने में भी बस वैसे जो चीज़ हमारी आँखों को भाती है ना, वो चीज़ टेस्ट में तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको इस तरीके से हमें सेकना है जिससे कि बिल्कुल भी कच्चा रह ना जाए। तो दूसरा भी मैं बेल देती हूँ और इसको भी सेकूँगी जब तक मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। मैंने उनसे बोला था कि आप आ जाओ कि उसी के बाद मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, ऐसी चीज़ें होती हैं ना वो गर्मा गर्म अच्छी लगती हैं खाने में, ठीक है। तो इसको खूब अच्छे से मैं सेक लेती हूँ, उसी तरीके से हमको दूसरी भी सेकनी है। ये देख लीजिए, ये भी फूलेगी क्योंकि हमने इसमें अंदर घी स्टफ किया, इसलिए फूलने का तो
कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आप जब कभी भी बनाओ इसी तरीके से बनाना, ठीक है। तो मैंने कहा दो तीन बना लेती हूँ पहले, फिर हस्बैंड को परस देती हूँ, फिर बाद में दूसरी बनाएंगे, क्योंकि रखा फिर ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने प्याज कट कर लिया, प्याज का हम सैलेड खाएंगे क्योंकि प्याज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने के साथ होते। ये देख लीजिए सब्जी भी हमारी अच्छी बनके तैयार हो गई है, तो इसको भी परोस लेंगे। तो लग रही है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारी मखाने की सब्जी। ये देख लीजिए जितनी आपको देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो हम लोग दोनों एक ही थाली में खाते तो उसी हिसाब से रख ले रहे हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो एक जो रह गई है इसको भी हम सेक लेते फटाफट से और लेके चलते हस्बैंड के पास और उनके मुँह से तारीफ़ सुनने के लिए। मैं तो भाई बेकरार हूँ कि कब वो मेरी तारीफ़ करें, मेरे खाने की तारीफ़ करें। मैं ज़्यादातर खाना घर पे ही बनाने की कोशिश करती हूँ नई नई चीज़ें से। क्या होता है कि हमको बनाना भी आ जाता। तो ये देख लीजिए कितना सॉफ्ट नान है, ये देख लीजिए कितनी सॉफ्ट नान है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं कि नान बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता, खिंचने लगता, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप इस तरीके से बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो चलिए बन गया है ये, इसको भी परोस लेते और लेके चलते हैं अपने हस्बैंड के पास, ठीक है। और आज मैं लेकर आई थी, क्या पता आप लोगों को, आज मैं लेकर आई थी भुट्टा, यानी कि जो मीठी वाली कॉर्न होती है ना, स्वीट कॉर्न, वो लेकर आई थी। हमारे गांव में मिलता है ना वो स्वीट कॉर्न नहीं मिलता, वो थोड़ा फीका फीका रहता, और यहाँ पे मिलता वो मीठा मिलता, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए खाना लेके चलती हूँ मैं, और जिस जिसको भूख लगी है वो आ जाइए, सबके लिए खाना मैं परोस देती हूँ। और लेके चलते हैं अपने हस्बैंड के पास और उनसे बोलते, वो बोल रहे थे मुझे भूख लगी, तो मैंने उनसे कहा कि आप आ जाओ बैठो और फिर मैं खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मैं फिर से आ जाती हूँ किचन में, और आज मुझे पायल अपनी साफ़ करनी थी। तो कहते हैं कि जो रीठा का पानी होता है ना उससे पायल बहुत अच्छी क्लीन हो जाती हैं, तो मैं रीठे के पानी से पायल क्लीन कर रही थी। थोड़ा सा सरफ डाल दिया है वॉशिंग पाउडर, और उसके बाद फिर मैंने उसमें रीठा डाल दिया था दो और अच्छे से उबाल दिया है। ये पायल पहले बहुत ज़्यादा काली थी और इस तरीके से मैंने उनको साफ़ किया ना तो बहुत जल्दी एकदम सफ़ेद निकल गई, सारी गंदगी इसकी निकल गई। तो आप लोग जब पायल को क्लीन करना चाहते हो ना तो इस तरीके से ज़रूर करें। तो चलिए मैंने इनको फटाफट से क्लीन कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है गाँव। तो मेरे पास यहाँ पर दो जोड़ी पायल थी, दोनों चांदी की हैं। अगर चांदी की नहीं है तो आप वैसे भी इनसे क्लीन कर सकते हो, तो जो गोटा वाली होती हैं वो भी इससे अच्छे से क्लीन हो जाएंगी, ठीक है। तो करिए फटाफट से करते हैं, फिर आप लोगों से दिखाते हैं फाइनल कि कैसी साफ़ हुई। तो ये देख लीजिए फ्रेंड कितनी बढ़िया हो चुकी हैं, पहले एकदम काली थी अभी एकदम क्लीन हो चुकी हैं। और उसके बाद फिर मैं कुछ सामान लेकर आई थी जैसे कि मैंने बोला आप लोगों से, तो मैंने कहा इसको निकाल के रख देती हूँ, तो निकाल के रखती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पालक लेकर आई थी 5 रुपए की मिल गई थी मुझे, और गोभी लेकर आई थी जो कि 20 रुपए किलो मिल गई थी मुझे, टमाटर 30 रुपए किलो मिले, और बाकी की सब्जियाँ भी बताती हूँ मैं। ये लेकर आई हूँ खीरा 10 रुपए के आधा किलो, तो मैंने कहा अगर जाएंगे ना रास्ता में तो रास्ते में खाने के लिए हो जाएंगे। और ये लेकर आई थी मैं स्वीट कॉर्न्स, तो मैंने कहा उनको उबाल के रख देती हूँ तो मैं अभी खाऊंगी, यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं इसलिए आज लेकर आई थी मैं, तो इनको उबालने के लिए रख देती हूँ कुकर में। अपने यहाँ मिलती है ना उनको भून के खाने में अच्छी लगती हैं, और जो यहाँ पे मिलती है ना उनको उबाल कर खाने में अच्छी लगती हैं। तो कुकर में पानी रखेंगे और पानी रखने के बाद फिर उसमें डालेंगे नमक और उसमें रखेंगे हम ये भुट्टा, वो उबल जाएंगे 4 से 5 सीटी में, फिर बस बहुत अच्छे लगते हैं। और लेकर आई थी मैं सेम की फली, तो सेम की फली की सब्जी मैं अभी बनाऊंगी, ज़्यादा है तो थोड़ी रख दूंगी फिर बन। तो फ्रेंड मैंने मक्का उबाल दिया था और 2 प्लेट में लेकर आके मैं यहाँ रख दिया था, तो मेरे हस्बैंड तो पहुँच गए मंजन करने के लिए क्योंकि उनके दांत में दर्द हो रहा था, वो बोल रहे थे पता नहीं क्या हो गया है। और तो मैंने कहा आप पहले इसको खा लेते उसके बाद मंजन करते तो अच्छा रहता ना, थोड़ा बहुत ये भी अगर उसमें दांतों में फंसता तो वो भी निकल जाता। तो मैं तो टीवी देखने लग गई थी और खाना स्टार्ट कर दिया था, वो बोल रहे थे कि तू खा जब तक मैं आता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो भी बताना, नहीं लगा तो भी बताना। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ वीडियो आने वाला है, यानी कि गाँव के वीडियो आने वाले हैं,
तो चलिए हस्बैंड जी को दिखाते हैं वो क्या मंजन मंजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये देखो फ्रेंड, ये कर रहे हैं कुल्ला, इनके दांत में हो गई कीड़ा। कीड़ा हो गए नहीं तो खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। बस तो वैसा करो कि गुजराती खाना ही फाइनल करो। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, गुजराती डिशेज में ना बहुत ऑयल होता है।